आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी के इनवैलिड नोटिस आ रहे हैं। सर आप इसे इनवैलिड क्यों कह रहे हो? भैया जरा एक बार डेट चेक कर लो, जीएसटी के जो नोटिस आ रहे हैं वो 28 अगस्त 2024 को आया है, DRC 01, और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के आया है? जुलाई 17 से लेकर मार्च 18 का। 17-18 की लास्ट डेट क्या थी नोटिस की? अगर मैं सेक्शन 74 की भी बात करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि इसकी लास्ट डेट क्या थी। सर इसकी तो लास्ट डेट थी 4 अगस्त और 6 अगस्त, 4 अगस्त और 6 अगस्त लास्ट डेट थी। तो 28 अगस्त को जो ये नोटिस आया, जो ये DRC 01 आया, क्या ये सही है या गलत है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। भैया मेरे हिसाब से ये गलत है। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो क्या है जो DRC 01 है, ये तो समरी है। अब इसका जो नोटिस है, इसका नोटिस भी देख लो, इसका जो नोटिस आजकल आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, किसी का 58 पेज का नोटिस, किसी का 100 पेज का नोटिस, किसी का 500 पेज का नोटिस। उसमें ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारी पार्टियों का नाम लिख के दे दे रहे हैं। तो बहुत सारी पार्टियों का नाम लिख दिया और कहा तुम अपना ढूंढ लो, हमने तो ये बुकलेट आपके साथ अटैच कर दी। तो क्या ये नोटिस वैलिड है? और इसमें टैक्स पीरियड डाल दे रहे हैं जुलाई 17 से लेकर मार्च 23। तो क्या इस तरह के नोटिस का सर्व करना सही है क्या? और यहाँ पर देखो कई जगह पर तो ये डेट को ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं और बाद में हाथ से भर दे रहे हैं 4 अगस्त। तो क्या ये ठीक है? भाई इस चीज को समझो, जब भी कोई नोटिस आता है उसके साथ DRC 01 का आना अनिवार्य है। जब तक DRC 01 नहीं आएगा तो ये नोटिस इनवैलिड होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सर्व नोटिस नहीं माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब भी कभी आपको इस तरह का नोटिस आए तो सबसे पहले इस नोटिस की वैलिडिटी को चेंज करो, इस नोटिस की वैलिडिटी को चेंज करो कि ये नोटिस वैलिड नहीं है। और यहाँ पर मजे की बात देखो, यहाँ पर साथ में एक मेल भी आ रही है, और साथ में जो मेल आ रही है मेल के अंदर सेक्शन लिख रहे हैं 65। जब मैंने सेक्शन 65 पे गया तो पता चला भैया ये भी गलत है, क्योंकि 65 में तो नोटिस आ ही नहीं सकता। तो भैया इस तरह के नोटिस, मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के कि भैया आप ना भेजो, ये सारे नोटिसेस गलत है, इसमें असेसी का भी टाइम वेस्ट होगा। अब नोटिस आ गया भाई, रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना, रिप्लाई क्यों करना पड़ेगा? ये नोटिस इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, ये टाइम बार नोटिस है। जब तुम सेक्शन 75 को पढ़ोगे तो वहां पर भी ये लिखा हुआ है कि भैया ऑर्डर जो आपको पास करना है सेक्शन 74 में जो टाइम लिमिट लिखी है उसी के अंदर करना है, और जो नोटिस इशू करना है वो 6 महीने पहले करना है। तो जब आपने नोटिस प्रॉपर सर्व नहीं करा तो क्या ये नोटिस इनवैलिड होना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मेरे हिसाब से ये नोटिस बिल्कुल इनवैलिड है, इसमें असेसी का भी टाइम वेस्ट है, इसमें जो हमारे प्रोफेशनल भाई हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे एडवोकेट्स हैं, चाहे अकाउंटेंट्स हैं, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। जब तुम समय से नोटिस नहीं भेज पाए तो मत भेजो, अब टाइम लिमिट निकल गई, ठीक है ना। और ये आप हर जगह पर सेक्शन 74 लगा देते हो, क्या हर जगह पर सेक्शन 74 लगाना सही है? जब आप सेक्शन 74 लगा रहे हो तो आप बताओगे ना कि भैया फ्रॉड का क्या ग्राउंड है। अब आप ये चीज को समझो, आप ये 58 पेज की 100 पेज की बुकलेट अटैच कर देते हो, भैया ये दिखाई दे रही है क्या बुकलेट आपको? मेरे को तो ये प्रॉपर नाम भी नहीं दिखाई दे रहे। तो भैया जब हम कोई पेपर ऐसा लगा देते हैं जिसमें कुछ चीज़ें प्रॉपर नहीं दिखती, आप तो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हो। अब आप ये बुकलेट ऐसे अटैच कर दे रहे हो, क्या ये ठीक है? आपको मेहनत करनी चाहिए ना, डिपार्टमेंट को मेहनत करनी चाहिए कि अगर मेरे क्लाइंट को नोटिस आया है वो बताए कि भाई मैंने किससे परचेजिज करी है और डिपार्टमेंट ने सप्लायर से क्या रिकवरी करी है, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। और आप जो हमारे को फ्रॉड के केसेस में कह रहे हो कि फ्रॉड है, आपने इसका कोई रीजन दिया कि फ्रॉड कैसे है, ये सप्रेशन कैसे है? तो ये सेक्शन 74 के जो नोटिस आ रहे हैं आधे से ज़्यादा गलत है, जिसमें तुम हाथ से डेट डाल रहे हो ये नोटिस गलत है, जिसके अंदर आप DRC 01 6 अगस्त की डेट के बाद का डालोगे वो नोटिस भी गलत है। मेरे हिसाब से इन्हें चैलेंज करना चाहिए और ये नोटिस
टाइम बियॉन्ड द टाइम लिमिट है, इस वजह से गलत है। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और ये सारी चीजें हमने अपने अर्जुन कोर्स में आपको बता रखी है, तो अगर किसी ने अभी तक अर्जुन कोर्स को ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से 150 घंटे का अर्जुन कोर्स ज्वाइन करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और इस तरह के नोटिस का रिप्लाई कर दो। मैगजीन कैसी लगी तुम्हारे को इस बार की? इस बार सितंबर की मैगजीन में जितनी भी जीएसटी में अपडेट्स आई थी वो सारी दे दी, टैक्स ऑडिट के ऊपर एफएक्यू दे दिया। तो अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।